मेरा नाम गणेश कोटियन है। मैं गरीब पैदा हुआ था, पर मैंने ठान ली थी मैं गरीब रहकर जीऊंगा नहीं, गरीब मरूंगा नहीं। मेरे मरने के बाद मेरी जिंदगी का क्या होता, कहानी यही है, मेरी जिंदगी की कहानी, मेरी मौत की जुबानी। गुड आफ्टरनून। एक सिंगल रूम चाहिए? डबल बेड, सिंगल बेड, एसी या नॉन एसी? कुछ भी चले। आईडी प्लीज। आपने कहा 2 दिन रहेंगे सर? हाँ 2 दिन। सर रूम सर्विस अटेंडेंट आपको रूम दिखा देगा। नहीं उसे रहने दो, आपने कहा था सामने कॉरिडोर में है ना? हाँ कॉरिडोर में बिल्कुल लास्ट रूम नंबर 104। थैंक यू। रूम नंबर 104 पे जो ताला लगा हुआ है ना सर, वो हमारा नहीं है। 14 फरवरी के चेक इन के बाद से गेस्ट ने दरवाजा खोला ही नहीं। कल रूम क्लीनिंग के लिए जब काशीनाथ गया तब भी ताला लगा हुआ था। और सर रूम में से बड़ी अजीब सी बू आ रही है। सर हमारे सारे लॉक्स लैच टाइप के हैं। क्या ये गेस्ट बिना बिल भरे ये लॉक लगाकर चुपचाप खे सके? सर मिस्टर गणेश कोटियान ने एडवांस पेमेंट किया था 2 दिन का, आज दोपहर को उनका चेकआउट है। गणेश कोटियान, 12 नारायण कॉलोनी, मिंसौरी, मंगलुरु। मोबाइल नंबर 4445676 98। हमने इस नंबर पर कई बार कॉल किया पर स्विच ऑफ आ रहा था। आपने इस गणेश कोटियान की कोई आईडी कार्ड ली? हाँ सर आधार कार्ड दिखाइए। रूम्स में हमेशा 2 ग्लास और 1 प्लेट होती है, मिस्टर कोटियान ने उसके बाद कुछ मंगवाया ही नहीं। और सर कल जब मैं रूम क्लीनिंग के लिए आया तो भी ताला लगा हुआ था। सर हमारी लॉज के सभी लॉक्स लैच टाइप के हैं। अगर किसी गेस्ट को एक्स्ट्रा सेफ्टी चाहिए तो वो अपना लॉक खुद लेकर आता है और जब बाहर जाता है तो वो कुंडी में लगा के जाता है। और जब भी ताला लगा होता है तो मैं हमेशा समझ जाता हूँ कि रूम के क्लीनिंग कस्टमर के सामने ही करना है। नाम क्या तुम्हारा? काशीनाथ। सर रूम के अंदर गणेश कोटियान का ना कोई लगेज है और ना ही मोबाइल फोन। सर एक बैग था उनके पास जब वो आए थे, मुझे अच्छे से याद है। सर रूम में 2 लोग रहे होंगे, ऐसा लगता है 2 लोगों ने साथ में बैठ के ड्रिंक्स ली थी। लेकिन मैम इन 2 दिनों में मिस्टर गणेश कोटियान से मिलने कोई गेस्ट भी नहीं आया था। हो सकता है ये आसपास के रूम से कोई उनके रूम में गया हो। नहीं सर ऐसे नहीं हो सकता क्योंकि वैसे भी हमारा ऑफ सीजन चल रहा है तो मिस्टर गणेश कोटियान के अलावा इस लॉज में और कोई है ही नहीं। मतलब पिछले 2 दिनों से इस पूरे लॉज में गणेश कोटियान अकेला मेहमान था? हाँ सर। आज है 16 फरवरी, मतलब इसकी मौत 14 फरवरी को हो चुकी थी। हाँ लगभग शाम के 4 से 6 के बीच, उसी दिन इसने लॉज में चेक इन भी किया था। डॉक्टर ये मर्डर केस लगता है सुसाइड केस। सारी निशानियां तो मर्डर की ही हैं, रस्सी पर जो ब्लड के निशान मिले हैं वो गणेश कोटियान के ही हैं। ये एक कवर अप ऑपरेशन लगता है।
मर्डर करने के बाद सुसाइड का लुक दिया गया। लॉज में किसी ने कोई आवाज नहीं सुनी, ना चीखने चिल्लाने की, ना किसी झड़प की। ब्लड स्ट्रीम में काफी अल्कोहल पाया गया। जिस रस्सी पर गणेश कोटियान के खून के निशान मिले, क्या वो रस्सी फड़फड़ाते हुए या खुद की जान बचाने की कोशिश में अपने आप निकल गई होगी? हाँ, पॉसिबल है। गणेश कोटियान मंगलुरु कर्नाटका से यहाँ पुणे आया, लॉज के जिस रूम में ठहरा था उस रूम से हमें एक शराब की बोतल, हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो दूसरा बंदा कौन था और गणेश कोटियान के रूम में कैसे पहुंचा, और साथ ही ये भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उस दूसरे बंदे का इस हादसे से कोई लेना देना था या नहीं। हेलो, लक्ष्मी कोटियान? हाँ, कौन? मैं मीनासुरी पुलिस स्टेशन से PSI पाई बोल रहा हूँ। मेरे पति की कोई खबर मिली क्या? बुरी खबर है लक्ष्मी जी। क्या हुआ? पुणे पुलिस के IT सर्कल पुलिस स्टेशन से फोन था। हिंजेवाड़ी इलाके के एक लॉज में आपके पति मारे पाए गए। सर, गणेश कोटियान की फैमिली ट्रेस हो गई है। उसके पिता मनोहर कोटियान और दोस्त रॉबिन अल्मेडा मंगलुरु से निकल चुके हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक गणेश कोटियान की मौत 14 फरवरी को हुई। इसका मतलब है पिछले 2 दिन से गणेश कोटियान की अपने घर वाले से कोई बात नहीं। 14 और 15 फरवरी उसकी वाइफ लक्ष्मी ने उसका फोन काफी ट्राई किया, फिर 2 दिन बाद उसने पुलिस थाने में कंप्लेन दर्ज करा दी, मिंसौरी पुलिस थाना मंगलुरु में। ये कौन है? एक 1:35 पर ये बंदा लॉज में दाखिल हुआ। सॉरी सर, मैंने इसे नहीं देखा था। क्या ये लॉज का कोई गेस्ट हो सकता है? नहीं सर, मिस्टर गणेश कोटियान के अलावा हमारा कोई भी गेस्ट नहीं था। पर कोई भी गेस्ट ऐसे चोरों की तरह क्यों एंटर करेगा? तो क्या मिस्टर कोटियान के रूम के अलावा बाकी जितने खाली रूम्स हैं वो सब लॉक्ड हैं? जी मैडम। देखते हैं ये बंदा लॉज से कब और कैसे बाहर निकला। हाँ सर, मिस्टर गणेश कोटियान थोड़े टाइम के लिए बाहर गए थे। सर, मेरी ड्यूटी 5:45 पे खत्म हो जाती है। और तुम्हारे बाद रिसेप्शन पर कौन बैठता है? काशीनाथ? सर, छोटा सा लॉज है मेरा, बिजनेस तो बिल्कुल ना के बराबर है। एक अरसे से बेचने की सोच रहा हूँ मैं। सर, वो लाल टोपी और ब्लैक गॉगल्स वाला आदमी अभी तक बाहर नहीं निकला। देखते हैं ये बंदा लॉज से कब और कैसे बाहर निकला। ये बैग मिस्टर गणेश कोटियान का है। ये लाल टोपी और गॉगल्स वाला आदमी 1:35 पर लॉज में दाखिल हुआ, ठीक उसी वक्त जिस वक्त गणेश कोटियान दाखिल हुआ, और फिर 6:25 पर लॉज से बाहर निकला। और गणेश कोटियान का मर्डर 14 फरवरी को शाम 4 से 6 के बीच में। इस कॉरिडोर में कोई छुपने की जगह है? कोई ऐसी जगह जहां से वो गणेश कोटियान के रूम नंबर 104 में घुस पाया हो? यहाँ छुपा होगा? मुझे नहीं मालूम सर। तुम दोनों में से किसी ने कोई आवाज नहीं सुनी, किसी झगड़े की या चीखने चिल्लाने की आवाज? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं सुना। नहीं सर। सच बोल रहे? हाँ सर। ನೀವು ಡಯಲ್ ಮಾಡಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ವಿಚ್ಡ್ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ. अम्मा, अप्पा कहाँ हैं? अम्मा,
सर, ये लाल टोपी वाला जो कॉरिडोर के कवर्ड में छुपा भी हो, गणेश कोटियान के रूम के अंदर कैसे घुसा? जरूर गणेश से जानता होगा। हाँ सर, वो जरूर जानता होगा। कमरे से दो ग्लासेस मिले, पहले दोनों ने बैठकर शराब पी होगी और फिर इस लाल टोपी वाले आदमी ने गणेश कोटियान का मर्डर कर दिया होगा। सर लेकिन अगर वो गणेश कोटियान का पहचान वाला था तो उसे इस तरह छुप कर आने की क्या जरूरत पड़ी? शायद इसलिए ताकि किसी को पता ना चले कि वो गणेश कोटियान को मिलने आया था और लॉज के रजिस्टर में कोई रिकॉर्ड ना हो। लेकिन सवाल ये है कि क्या गणेश कोटियान मैंगलुरु से स्पेशल इसी बंदे को मिलने आया था? सर गणेश कोटियान के फोन रिकॉर्ड्स मंगाए हैं, शायद उसमें से कुछ पता चले। उस बैग में क्या था? और ये लाल टोपी और गॉगल्स वाला आदमी, ये आदमी हमारे इस केस की चाबी है। इस आदमी से हमें पता चलेगा कि दरअसल उस दिन रूम नंबर 104 में हुआ क्या था। पैसा, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कोई हार्ड डिस्क या चिप, और क्या हो सकता है उस बैग में? सर ये रेड कैप और गॉगल्स वाला आदमी मैंगलुरु से ही गणेश कोटियान के पीछे आया हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि मर्डर का प्लान पहले से ही बन गया हो। ये लाल टोपी और गॉगल्स वाले आदमी के राज का खुलासा हमें एक ऐसे चेज पर ले गया जिसे मोटिव्स और एंगल्स का तूफान कहा जा सकता है। इस मर्डर का प्लान अपने आप में अनोखा प्लान था, ऐसा प्लान जिसे मैंने अपने करियर में पहले कभी एनकाउंटर नहीं किया। हाँ सर, यही गणेश कोटियान है। मेरा बेटा हमेशा दो सोने की अंगूठियां पहनता था, गले में चैन भी होती थी। आप सही कह रहे हैं, आपके बेटे के गले में सोने की चैन और हाथ में अंगूठियां हैं, पर लाश पर हमें ये दोनों चीजें नहीं मिली। हमने रूम की पूरी तलाशी ली, वहां भी नहीं थे। गणेश का बैग और मोबाइल, वो भी नहीं मिले। गणेश के बैग में सोना था, 6 किलो सोना। 6 किलो सोना? क्या करता था आपका बेटा? उस सोने का व्यापारी था? मुझे नहीं पता सर, मैंने बस उसकी बीवी और अपनी बहू लक्ष्मी को मैंसूरी थाने में ऐसा कहते सुना। सर वो 10 फरवरी को घर से निकले थे, बोले कि बंगलुरु जा रहा हूँ, और वहां से वो और उनका दोस्त जॉन मिलकर पुणे जाने वाले थे। पुणे क्यों जा रहे थे, वहां क्या काम था? सर मुझे उनके काम के बारे में कुछ भी पता नहीं है, बस इतना पता है कि वो पुणे सोना लेकर जा रहे थे। लक्ष्मी, मैं 17 फरवरी तक पुणे से लौटूंगा, 6 किलो सोना लेके जा रहा हूँ। 6 किलो सोना? पहले बंगलुरु जाऊंगा। पहले बंगलुरु क्यों? वहां जॉन से मिलूंगा, उसी के साथ पुणे के लिए निकलूंगा। 14 को पुणे पहुंचूंगा। चलता। और मैं कल शाम से फोन पे फोन किए जा रही हूँ पर वो फोन ही नहीं उठा रहे। उनके दोस्त जॉन से कांटेक्ट किया आपने? फोन तो किया था सर, पर फोन स्विच ऑफ जा रहा है। लक्ष्मी कह रही है कि जॉन का फोन अभी बंद है। क्या ये जॉन है? मैं कह नहीं सकता, मैं बहुत पहले देखा था जब गणेश के साथ मंगलुरु में कॉलेज पढ़ते थे। 6 किलो सोना बहुत होता है। करंट रेट के हिसाब से तकरीबन 1,70,00,000 की वैल्यू सर। मनोहर जी, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको पता ही नहीं कि आपका बेटा क्या करता था? मैंने कभी पूछा नहीं और उसने कभी बताया नहीं। तुम रॉबिन? मैं तो इनकी कॉलोनी में रहता हूँ। हाँ, मेरा छोटा भाई सैमुअल उसके साथ काम करता था। आपका बेटा 6 किलो सोना लेकर निकला था, 6 किलो, और आपको कुछ नहीं पता? आपके पास इस जॉन का नंबर है? लक्ष्मी के पास। जॉन बेंगलुरु से है ना? हाँ। देखिए मनोहर जी, आपके बेटे का पोस्टमार्टम हो गया है, बॉडी आपको हैंडओवर कर दी जाएगी। आप उसका अंतिम संस्कार यहीं करेंगे या बेंगलुरु ले जाना चाहेंगे? सर, बॉडी को मैंगलुरु ले जाना चाहेंगे क्योंकि वहीं पर गणेश की माँ, उसकी बीवी और उसकी 9 साल की बेटी भी है। पेंट से जॉन का नंबर अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। लक्ष्मी कोटियान के पास जॉन का बेंगलुरु वाला एड्रेस नहीं है, पर हमारे यहाँ सैमुअल अल्मीडा है,
ये गणेश के साथ काम करता था। सैमुअल को पकड़ के रखना, मैं कल सुबह वहां पहुंच रहा हूँ। अशोक तुम बेंगलुरु में रहोगे और मैं बेंगलुरु में इस जॉन की खबर लूंगा। अशांति तुम यही रहना और पता लगाओ गणेश कोटियान पुणे में 6 किलो सोना लेकर आया था, ये जरूर किसी जौहरी से मिलने आया होगा। सर मैंने लिस्ट बना ली है। गणेश कोटियान 10 फरवरी को जॉन से मिलने बेंगलुरु गया था, तो ये 10 से लेकर 13 फरवरी तक बेंगलुरु में क्या कर रहा था पुणे आने से पहले? हमें गणेश की एक एक मूवमेंट को ट्रैक करना होगा। और ये जॉन, ये कॉन्टेक्ट में क्यों नहीं आ रहा? सर 10 फरवरी को गणेश की बात जॉन सेबेस्टियन से हुई जरूर थी, जो सबसे पहले नंबर क्रैक किया वो जॉन का ही निकला। एड्रेस मिला जॉन का? यस सर, अभी मैसेज करती हूँ आपको। मेरा काम होता था जो भी पार्सल गणेश अन्ना ने दिया उसे अलग अलग जौहरी लोगों तक पहुंचाना। यहाँ बेंगलुरु में? नहीं सर, हर जगह, मुंबई, भोपाल, बेंगलुरु। क्या होता था पार्सल? पता नहीं सर, मैं 1 साल से गणेश अन्ना के लिए काम कर रहा हूँ, कभी उन्होंने नहीं बताया, मैंने भी नहीं पूछा सर, कभी पार्सल खोल के देखा भी नहीं, बस डिलीवर किया। इतना भरोसा था गणेश कोटियान को तुझ पर? सर मेरा भाई रॉबिन गणेश अन्ना का खास दोस्त है, उसी ने मुझे लगवाया था नौकरी। सोना होता था ना पार्सल? हो सकता है सर, अब जौहरी के यहाँ और क्या डिलीवर हो? वो सोना स्मगलिंग का होता था ना, किसके लिए काम करता था ये गणेश? सर मैं बस गणेश अन्ना के लिए काम करता था, मुझे उनकी लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता। कोटी तो ठीक ठाक दिख रही है लेकिन 6 किलो सोने वाली की नहीं लग रही। इस गणेश कोटियान की थोड़ी बैकग्राउंड चेकिंग की मैंने, उसने यही बेंगलुरु इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की है। इंजीनियरिंग करने के बाद सोने का बिजनेस, और वो भी ऐसा जो करीबी लोगों को पता तक नहीं है। मैंने यहाँ के मोहल्ले में और कुछ लोगों से पूछताछ भी की, काफी लो प्रोफाइल आदमी था, पर सबका यही कहना है कि बंदा सेल्फ मेड था। कैसे? इसका बाप जिसे आप मिले फुल अल्कोहलिक, सुबह उठते ही पीता है, काफी गरीबी में पैदा हुआ ये गणेश कोटियान, पर सब कुछ अपने बलबूते पर किया इसने, इंजीनियरिंग की पढ़ाई, ये कोठी, सब कुछ। सर बस इतना बताया था कि वो गोल्ड का बिजनेस करते हैं। कैसा बिजनेस? ज्वेलरी बनाते? नहीं सर। तो फिर? मुझे नहीं मालूम। आपको नहीं मालूम, गणेश के फादर को नहीं मालूम, उसके दोस्त रॉबिन को नहीं मालूम, असिस्टेंट सैमुअल को नहीं मालूम। सबका मतलब एक ही है, आप सबको मालूम है लेकिन कोई बता नहीं रहा कि आपके मरहूम पति गोल्ड की स्मगलिंग करते थे। मुझे नहीं मालूम है सर। 6 किलो सोना किसके लिए लेकर जा रहे थे? मालूम नहीं है मुझे सर, मैं इसे नहीं जानती हूँ सर। ये आपके पति का कातिल भी हो सकता है। क्यों मारा इसने चित्रा के अप्पा को? ये तो हम तभी बता सकते हैं जब हमें ये पता चले कि आपके पति आखिर करते क्या थे। जॉन सेबेस्टियन जी, पुणे पुलिस जी, क्या बात है? मैं ये आदमी नहीं हूँ सर, गणेश मेरा फ्रेंड था लेकिन मैं उसके साथ पुणे नहीं गया था, और उसकी डेथ से मुझको भी बहुत शौक है। डेथ नहीं, मर्डर। वो मेरा कॉलेज फ्रेंड था जो 10 फरवरी को तुम्हारे पास आया था एक बैग लेकर, और तुम्हारा उसके साथ पुणे जाने का प्रोग्राम था। जी उसने पूछा लेकिन मैं गया नहीं। आजा। सॉरी गणेश, मैं अभी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुआ और डॉक्टर्स ने भी मुझे ट्रेवलिंग करने से मना किया है। जॉन बस 1 हफ्ते की बात है यार, 17 तारीख को रिटर्न है। आई एम रियली सॉरी यार, मैं ट्रेवलिंग का रिस्क लेने नहीं चाहता हूँ, मैं आजकल मॉर्निंग वॉक पर भी नहीं जाता। फिर गणेश अकेले चला गया उसी दिन 10 फरवरी को। जी किस चीज़ से रिकवरी हो रही तुम्हारी? 2 जनवरी को माइनर अटैक आया था मुझे, हार्ट अटैक। कितना माइनर? हॉस्पिटलाइज्ड हुआ था सेंट पैट्रिक हॉस्पिटल में, सारे रिकॉर्ड्स हैं मेरे पास। ये टोपी और ये चश्मा पहनो और जरा वहाँ से यहाँ तक चल के दिखाओ। सर ये क्या ड्रामा है सर, मैं आपसे कह रहा हूँ कि सर मैं उसके साथ पुणे नहीं गया था सर, और ये आदमी मैं नहीं हूँ सर। तो मना क्यों कर रहे हो? देखो जॉन सेबेस्टियन, हमारे पास ठोस सबूत है कि तुम्हारा और गणेश का पुणे जाने का प्लान कोई वीकेंड पर अचानक से बना प्लान तो था नहीं। अच्छी खासी एडवांस बुकिंग की थी ट्रेन की, बेंगलुरु टू पुणे 2 टिकट्स, 1 टिकट गणेश कोटियान के नाम और दूसरी टिकट जॉन सेबेस्टियन के नाम।
चित्रा के अप्पा ने टिकट्स भी कराई थी। टिकट कहाँ से बुक हुआ था, ऑनलाइन या मैंगलोर स्टेशन से? एक एजेंट है सर उनका। सर इस जॉन का पक्का हाथ है इस मर्डर में। 5 फरवरी को ही इसने अपने और गणेश के नाम पे टिकट्स बुक करवाई थी 13 तारीख की, बेंगलुरु टू पुणे। 6 किलो सोना मतलब 1,70,00,000 रुपए। 1,70,00,000 के लिए तुमने अपने कॉलेज फ्रेंड गणेश कोटियन का मर्डर कर दिया। नो सर, नो सर, मैं अपने फ्रेंड गणेश को कैसे मार सकता हूँ सर? मैं किसी को नहीं मार सकता सर। मैं किलर नहीं हूँ सर। सर मैं आपसे फिर एक बार कह रहा हूँ कि मैं उसके साथ पुणे नहीं गया था। चलो मान लेते हैं 10 फरवरी को तुम गणेश के साथ नहीं गए, तो 10 से लेके 13 फरवरी तक मतलब ट्रेन में चढ़ने से पहले तक गणेश कहाँ था और क्या कर रहा था? सर मुझे कुछ नहीं पता है। उस मीटिंग के बाद से ना ही मेरी कोई बात हुई उससे और ना ही कोई मुलाकात। ये नहीं लगता। ये नहीं है, कोई फीचर मैच नहीं कर रहा। लेकिन ये भी हो सकता है कि जॉन सेबेस्टियन ने अपनी जगह किसी और को भेज दिया हो। पहले से प्लानिंग हो कि गणेश कोटियन का मर्डर करना है और उसके बाद उसका सोना हथियाना। बंगलुरु स्टेशन से पता चल सकता है कि गणेश अकेला गया था जॉन की टिकट कैंसिल करता हुआ, या फिर जॉन के टिकट पर कोई और गया था। प्लीज पता करवाओ। और मुझे इस जॉन सेबेस्टियन पर सर्विलेंस चाहिए। 6 किलो सोना बहुत होता है, और इस गणेश कोटियन का बिजनेस पूरा गड़बड़ है। हमें अभी तक ये क्लियर नहीं है कि गणेश कोटियान करता क्या था। सर मैं सामने तो नहीं आऊँगा, लेकिन गणेश कोटियान के काम का पर्दाफाश कर सकता हूँ। तू सामने नहीं आएगा तो तुझे खोज कर सामने तो ला सकते हैं ना? फायदा नहीं है सर, मैं तो मरूंगा और आपको खबर भी नहीं मिलेगी। रखता हूँ सर। रुक रुक। चल ये मत बता कि तू कौन है, ये बता कि गणेश कोटियान करता क्या था। सर पक्का आप मुझे टच नहीं करोगे? नहीं करेंगे। चल बोल। सर भरोसा करता हूँ आप पर कि आप मुझे टच नहीं करोगे, लेकिन जिस बंदे का मैं नाम लूंगा आप भी उसे कभी टच नहीं कर पाएंगे। सुंदरम गौड़ा। वो कुरियर किंग सुंदरम गौड़ा? सर वो सिर्फ कुरियर का किंग तो नहीं है ना। तो बता क्या है उसके पार्सल के अंदर का पार्सल? सोना? सादा सोना नहीं सर, कच्चा सोना। कच्चे सोने के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। सुंदरम गोड़ा के पास कहां से आता है ये रॉ गोल्ड कोई नहीं जानता, पर फिर भी आता उसी के पास है। और गणेश कोटियान उसका खुफिया कुरियर था? हाँ सर, गोड़ा के कार्टेल का सबसे खास और खुफिया कुरियर। गणेश कोटियान गोड़ा का कच्चा सोना अलग अलग जोरियों तक डिलीवर करता था। कच्चे सोने के बदले में जौहरी गोड़ा को गणेश के थ्रू बने बनाए जेवर एक्सचेंज में देते हैं, पर वजन कम होता उनका। फिर रेडीमेड जेवरों को ये कार्टेल मार्केट रेट में बेचते हैं और तगड़ा पैसा कमाते हैं। समझ रहे हैं ना सर, कच्चा सोना खानों से सीधा जौहरियों के वर्कशॉप में, कोई टैक्स नहीं, कोई एंट्री नहीं, कुछ नहीं। और एक कम वजन वाले जेवर गोड़ा को काफ़ी भारी फायदा दिलाते हैं। फायदा हो रहा है ये तो जाहिर है, गणित क्या है? सर फर्ज करो 1,00,000 का रॉ गोल्ड कार्टेल जौहरी को देता है, बदले में वो 80,000 के रेडीमेड जेवर थोड़े कम वजन के कार्टेल को रिटर्न देता है। इस 80,000 के जेवर का मार्केट रेट होता है 1,40,000 विद मेकिंग चार्जेस। तो हर 1,00,000 पर कार्टेल ने बनाया 40,000 का फायदा, और जौहरी कच्चे सोने से अपना फायदा बना लेता है। टैक्स बचाकर मिलावट करके दोनों पार्टियों की पार्टी ही पार्टी हो जाती है, क्योंकि लेन देन तो करोड़ों में होता है। ये लेन देन मंगलुरु कर्नाटक में होता है कि और कहीं भी? सोने का बाजार कोई छोटा मोटा तालाब थोड़ी ना है, पूरे का पूरा समंदर है। फ्रैंक बात बोलूं, यह अज्ञात कॉलर सही कह रहा था, सुंदरम गौड़ा को हम टच भी नहीं कर सकते। बिजनेस में तो बड़ा है ही, इसके पॉलिटिकल कनेक्शन भी काफ़ी बड़े हैं। मर्डर भी काफ़ी बड़ा जुर्म है तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये गणेश गौड़ा का 6 किलो कच्चा सोना लेके पुणे गया हो डिलीवरी करने के लिए, और रास्ते में किसी को भनक लग गई, शायद कोई अंदर का ही आदमी, उसने ये सोना लूट लिया
और उसे मार दिया। 1,70,00,000 की वर्थ थी सोने की, कच्चा सोना था शायद, और भी ज्यादा वर्थ हो। मैडम ये जोहरियों के बीच में से खबर निकालना मतलब मगरमच्छ के मुंह से मछली निकालने जैसा है। शकील, नेशनल ज्योग्राफिक का मूड नहीं है मेरा, असली खबर बोल। मैडम मैंने काफी ट्राई किया पता करने का, लेकिन पता नहीं आपका ये कोटियन अपने पुणे के कौन से जोहरे का कच्चा सोना बेच रहा था। एक भी बंदा मुंह नहीं खोल रहा है। ट्रेन बोगी लिस्ट में तो नाम जॉन सेबेस्टियन का ही है, और जॉन का कहना है कि उसने ये ट्रेन नहीं ली गणेश के साथ। हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि उस ट्रेन में जॉन नहीं था, लेकिन टीटी का कहना है कि कोई तो था। ये रेलवे स्टेशन का सीसीटीवी एक्सेस हो सकता है? मेन जीआरपी से चेक करवाया था, लेकिन फुटेज में गणेश अकेला था। ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಪುಣೆಗೆ ಹೋಗುವ ಟ್ರೈನ್ ತನ್ನ ನಿರ್ಧರಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಡಲಿದೆ. ಗಣೇಶ್ ಕೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಮೇ 6 ಕಿಲೋ ಸೋನಾ ಕಚ್ಚಾ ಸೋನಾ ಹೋ ಸಕ್ತಾ ರಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಜೊ ಕೆ ಕೊರಿಯರ್ ಕಿಂಗ್ ಸುಂದರ ಗೌಡಾ ಕಾ ಹೋಗಾ ಪರ್ ಉಸ್ ತಕ್ ಪಹುಂಚನಾ ಆಸಾನ್ ನಹೀ ವೊ ಸಾಫ್ ಮನಾ ಕರ್ ದೇಗಾ ಕಿ ವೊ ಇಸ್ ಧಂದೆ ಮೇ ಹೈ ನಹೀ ಔರ್ ಉಸ್ ಹಾಂ ಸುರೇಶ್ ತು ಹೀ ಕೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸುನಾ ದೇ ಅಪ್ನೆ ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಸೆ ಜೊ ಖಬರ್ ಮೇ ಆಪ್ಕೋ ದೇನೆ ಜಾ ರಹಾ ಹೂಂ उससे आपकी केस और उलझने वाली है। बोलो। अभी सारी स्कैनिंग होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इस वक्त इतना क्लियर है कि रूम नंबर 104 में दोनों ग्लासों पर फिंगरप्रिंट्स गणेश कोटियान के ही हैं, किसी दूसरे आदमी के नहीं। दोनों ग्लासेस पर कैसे? यही तो मैं कह रहा था, आपकी उलझन और बढ़ा दी है मैंने। हमारी टीम, बेंगलुरु टीम सबके सब अंधेरे में थे कि ये लाल टोपी और गॉगल्स वाला आदमी आखिर कौन था, और वो कौन सी पार्टी रही होगी जिसे 6 किलो सोना डिलीवर करने के लिए गणेश पुणे आया था। और फिर ये खबर कि दोनों ग्लासेस पर फिंगरप्रिंट्स गणेश के ही थे। बट ट्रस्ट में, ये तो महज शुरुआत थी इस अजीबोगरीब खबरों के सिलसिले की। क्या गणेश कोटियान ने गणेश कोटियान को फोन किया? मींस कोट्यान कॉलिंग कोट्यान, ये क्या नॉनसेंस है? पूरा नॉनसेंस है, पर कॉल रिकॉर्ड्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है कि गणेश ने पुणे पहुंचकर जो सबसे पहले फोन किया वो नंबर भी उसी के नाम पर रजिस्टर्ड है और उसी के एड्रेस पर। हाँ ना, सब ठीक? हाँ सब ठीक है। ठीक है सर, गणेश का सेल नंबर जो लॉज के रजिस्टर से मिला था 444567698, इसकी लोकेशन पुणे रेलवे स्टेशन पर थी, और जिस नंबर से इसने अपने ही नाम पर रजिस्टर्ड दूसरे नंबर पर फोन किया था 444100023, इसकी लोकेशन कोथरूड में कहीं थी। सर ये जो दूसरा नंबर है कोथरूड वाला, ये तभी से स्विच ऑफ आ रहा है। ये गणेश कोटियन था क्या यार? और सर 10 फरवरी को जॉन के अलावा गणेश की बात बेंगलुरु में किसी मयूर हेगड़े के साथ हुई थी, 11, 12, 13 को भी हुई थी। इस मयूर हेगड़े का फोन नंबर और एड्रेस अभी भेजा मुझे तुरंत। हेलो मयूर हेगड़े जी, कौन? मैं पीआई शरद चौहान बोल रहा हूँ, पुणे पुलिस। क्या बात है सर? गणेश कोटियन को कैसे जानते हो? कैसे मतलब? मेरा फ्रेंड है। है नहीं, था। मर्डर हो गया उसके पुणे में। ओह गॉड, कब? नहीं मैं इसे नहीं जानता। और वो क्या नाम बताया? गणेश कोटियन। मैं उसे भी नहीं जानता। सुंदरम जी, ये गणेश कोटियान 6 किलो सोना कैरी कर रहा था, 6 किलो कच्चा सोना। कान के कच्चे हो, सोना नहीं मैंने क्या कहा? मैं किसी गणेश कोटियान को नहीं जानता। अब वो 6 किलो सोना लेकर घुमा या किसी गधे के पिछवाड़े को चूमा, मैं क्या करूं? और कुछ है? खड़े मत होइए, बैठे रहिए। मुझे यहां पर आने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन आप मेहमान हैं हमारे, बहुत जिद की, इसलिए सोचा आ जाऊं और मैं हाजिर हो गया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप मुझसे किसी भी 2% के क्रिमिनल की तरह बात करें। आप 2% के क्रिमिनल नहीं, करोड़ों के रॉ गोल्ड के स्मगलर हो। फिलहाल हमारे रडार में नहीं हो, इसका ये मतलब नहीं है कि कभी हमारे रडार में आओगे नहीं। अपनी रडार, अपनी सोच, अपनी नजर, जो कुछ भी रिपेयर करवाना है करवा लीजिए, और अगर उसके बाद भी मैं आपके रडार में नजर आता हूं
तो बुला लीजिए, हाजिर हो जाऊंगा। लेकिन फिर कभी मुझे बिना किसी सबूत के आप लोगों ने परेशान किया तो मुझे मेरे रडार खोलने पड़ेंगे। मेरी इकलौती कुरियर कंपनी बड़े बड़े लोगों की चीजें और कागजात पार्सल करती है। ये मर्डर का पार्सल हम नहीं लेते क्योंकि ये धंधा हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। चलता हूं, नमस्कार। इस साले के फोन रिकॉर्ड्स भी कुछ नहीं कहते। इतना बड़ा रैकेट ये बिना किसी लूपहोल के चलाता कैसे है? कैसे क्रैक करेंगे इसे? पेन से क्रिकेट खेलते हो? हाँ, कई साल हो गए, लेकिन पॉइंट क्या है भाई? वो कुछ डिलीवरीज होती है ना, खेलो तो आउट होना ही है। रन ना मिले कोई बात नहीं, विकेट पर तो टिके रहोगे। तुम्हारा मतलब ये सुंदरम ऐसी डिलीवरी है? बिल्कुल, इसीलिए हम जैसे लोग, बाबू लोग, नेता लोग सभी वेल लेफ्ट करते हैं। हाँ सर, गणेश मेरे साथ ही था 10 फरवरी से 13 फरवरी की रात तक। मैंने उसे रेलवे स्टेशन पर ड्रॉप किया था। ये कौन? कौन है सर? मयूर, गणेश एक बैग में 6 किलो सोना लेकर गया था और इस आदमी के हाथ में वो बैग, पहचानते हो उस बैग को? सर, 11 फरवरी की रात को हम खाना खाकर सोने ही वाले थे, तब गणेश मेरी कार लेकर के निकल गया था, तब ये बैग उसके हाथ में था। अरे ऐसा क्या काम है तेरा, कल नहीं कर सकता क्या? नहीं, अभी करना होगा, तू सो जा, मैं जल्दी लौटूंगा, चलता हूँ। मैं ठीक से कारण तो नहीं बता सकता, पर गणेश थोड़ा नर्वस था, टेंशन में। कहाँ गया था उस रात? पता नहीं सर, पर रात को तकरीबन 2 बजे मुझे चंद्रापुर पुलिस स्टेशन से कॉल आया था। किस बारे में? पुलिस ने उसे पकड़ लिया था बिना लाइसेंस की कार चलाते हुए। चंद्रापुर में गणेश किससे मिलने गया था? पता नहीं सर, पर सर जब हम वापस लौटे तो ये बैग उसके हाथ में नहीं था। क्या? हाँ सर, फिर वो अगली सुबह जल्दी जल्दी कहीं चला गया। अरे कहाँ जा रहा है, कुछ तो बता। अरे वो मेरा बैग। बैग कहाँ है तेरा बैग? कल रात पुलिस स्टेशन में तो नहीं था, गाड़ी में है क्या? नहीं, मैं लेके आता हूँ, जल्दी लौटो, चलता हूँ। कार में नहीं था तो फिर कहाँ था बैग? कहाँ था पता नहीं सर, पर उसके हाथ में भी नहीं था और कार में भी नहीं था। पुलिस स्टेशन का नाम क्या बताया? चंद्रापुर पुलिस स्टेशन, यही 20 किलोमीटर की दूरी पर। जी सर, बिल्कुल सही, KA037Y34 सर, ये बिल्कुल सही नंबर है, मेरी डायरी में इसकी एंट्री भी है। सर हम लोग नाकाबंदी पे थे तो थोड़ी दूर पे हमने इस गाड़ी को रुकते हुए देखा। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रुकी? रोकी नहीं साहब, बंद पड़ गई। कल लाइसेंस दिखा, गाड़ी के पेपर्स भी। सर लाइसेंस इसके पास था नहीं और गाड़ी के पेपर्स मयूर हेगड़े के नाम थे, तो हमने मयूर हेगड़े को कॉल किया, उसने आके गाड़ी छुड़ाई और गणेश कोटियन को ले गया। सर शेख, कार की तलाशी अच्छी तरह से ली गई, कार में कोई बैग नहीं मिला। सर हमने अंदर बाहर पूरे डिटेल में चेकिंग की, हमें डाउट था कि कुछ ट्रांसपोर्ट हो रहा है या कुछ और, लेकिन सर बैग नहीं मिला हमें। नो सर, मुझे सच में नहीं पता कि वो चंद्रापुर किससे मिलने गया था सुबह सुबह। तुम्हारी गणेश से दोस्ती कैसे हुई थी? मेरा जूनियर था सर इंजीनियरिंग कॉलेज में। तब तो तुम जॉन सेबेस्टियन को भी जानते होगे? हाँ सर, अच्छी तरह, यही बेंगलुरु में सेटल है, गणेश का अच्छा दोस्त। तुम गणेश के अच्छे दोस्त, जॉन गणेश का अच्छा दोस्त, लेकिन तुम दोनों को नहीं पता कि तुम्हारा अच्छा दोस्त गणेश करता क्या था। गणेश की मूवमेंट को हमने काफी हद तक ट्रेस कर लिया, पर अभी भी काफी काम बाकी है। अभी भी ये पता लगाना बाकी है कि चंद्रापुर में गणेश किससे मिलने गया था, और उस बैग का गायब होना फिर सरफेस होना, एंगल्स तो कहीं है पर कोई भी एंगल सही कनेक्ट नहीं हो रहा जिससे हम इस केस को क्रैक कर सकें। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सोना गौड़ा का ही था जिसे इस गणेश ने कहीं डिलीवर करना हो और उसने खुद को डिलीवर कर लिया? सब फैमिली वाला आदमी था, 9 साल की बच्ची है, इतना भारी रिस्क लेता? 6 किलो सोना भी बहुत भारी होता शांत, हो सकता है उसने प्लान किया हो कि सोना लेके कहीं गायब हो जाएगा,
और उस प्लान की भनक गौड़ों को लग गई और उसने गणेश को पार्सल कर दिया और अपना सोना वापस ले लिया। जी अन्ना, समझ गया। लाल टोपी, काला चश्मा। पता कर। सर, जिस लाल टोपी और गॉगल्स वाले खूनी को हम ढूंढ रहे हैं, ये 6 किलो सोने वाला एंगल पकड़कर, हो सकता है इस केस में ये एंगल ही ना हो। शायद गणेश की पत्नी लक्ष्मी का उसके मर्डर से कोई ताल्लुक हो, या फिर उसके दोस्त जॉन सेबेस्टियन का, जॉनी गद्दार। जॉन प्लीज। हाँ, मेरे साथ। नहीं, कभी नहीं। तेरा दिमाग खराब हो गया है? सारे एंगल वैलिड है, इतने सारे लोग हैं, पर सब के सब खामोश। हैरानी की बात है कि कोई ये नहीं जानता कि गणेश करता क्या था। यहाँ झोल। हाँ श्रीधर, हमारी कस्टडी में एक चोर है, रंगा। ये रंगा गणेश कोटियन के बारे में कुछ बोल रहा है। साहब, मुझे नहीं पता है कि गणेश कोटियन क्यों मारा गया, लेकिन साहब मुझे इतना पता है कि वो बाला है ना, किडनैपिंग उस्ताद, साहब वो और गणेश कोटियाल दोनों मिलकर मूर्ति सेठ को उठवाने का प्लान बना रहे थे। उपेंद्र मूर्ति, मूर्ति ज्वेलर्स का मालिक? हाँ साहब, एक ही तो है मूर्ति सेठ। साहब बाला ने पहले मुझे बुलाया था टीम में शामिल होने के लिए, लेकिन एन मौके पर मुझे ड्रॉप कर दिया। ये किडनैपिंग कब की गई? साहब पक्का तो पता नहीं है, लेकिन बाला ने बोला था कि दिसंबर में चोरी वोरी मत करना, फ्री रहना इस काम के लिए। उपेंद्र मूर्ति किडनैप हो जाते तो यहाँ की असेंबली हिल जाती। अक्सर कई बहुत बड़े लोगों की किडनैपिंग की रिपोर्ट की नहीं जाती सर। सर हो सकता है ये 6 किलो सोना फिरौती का हो और गणेश और बाला में इसी को लेकर अनबन हो गई हो और बाला ने गणेश को खत्म कर दिया। मिस्टर मूर्ति, आपको इस बात से डरने की जरूरत नहीं है कि वो किडनैपिंग गैंग आपको परेशान कर सकता है। इनफैक्ट आपको पुलिस को पहले ही रिपोर्ट करना चाहिए था। एक मिनट इंस्पेक्टर, आप कोई मनगढ़ंत कहानी बता रहे हैं क्या? कब हुई थी मेरी किडनैपिंग? किसने किया था मुझे किडनैप? उपेंद्र जी, वो गैंग अब खत्म हो चुका है और गणेश कोटियन भी मारा जा चुका है। हम उसी के मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ आए। आप बस इतना बता दीजिए कि आपके फैमिली ऑफिस में से कितनी फिरौती गई और कैसे? सोने से, 6 किलो सोना, शायद कच्चा सोना। इंस्पेक्टर साहब, आप जहाँ कहीं से भी आए हैं, गलत जगह पे आए, या तो गलत नतीजे पे आए। और मैं आप लोगों से झूठ क्यों बोलूँगा? क्या जरूरत है मुझे? मेरी कभी कोई किडनैपिंग हुई नहीं। ये बाहर सिक्योरिटी देख रहे हैं ना, पिछले 7 सालों से मेरे साथ साए की तरह है। मुझे किडनैप करना इतना आसान नहीं। सर बताओ तो सही, मैंने क्या? अरे घसी दो बस सर, मैंने छोड़ दिया सब कुछ। भरे साहब आप सुनो सर। शरद, गुड न्यूज है, बाला हाथ लग गया है। गणेश कुटियान का फुल हो गया। फुल? बाला, बालक बनने का नाटक ना कर। तेरे चेहरे से साफ लग रहा है कि तुझे सब कुछ पता है। फुल, एकदम फुल, क्योंकि तुमने करवाया। जानते हो उसे? इसने मारा गणेश कुटियान को। तुमने सुपारी दी इसे? नहीं मैडम, ये सब गलत है। हाँ माना कि मुझे पता था कि गणेश कुटियान का गेम हो गया, लेकिन मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। आप लोग 6 किलो सोने की बात कर रहे हो, मैंने कभी भी एक आधा पौना किलो सोना भी नहीं देखा। इसलिए जब पूरे 6 किलो देखा तो दिमाग में लालच की बाढ़ आ गई। नहीं मैडम, ये कैसा सोना, कहाँ का सोना? 6 किलो कच्चा सोना जो तूने और गणेश ने उपेंद्र मूर्ति के किडनैपिंग के बाद बतौर फिरौती लिया था। गणेश वो सोना बेचने वाला था पुणे में, उसके पहले ही तुमने उसे मरवा दिया। यही थी ना तुम्हारी साजिश? साजिश तगड़ी है मैडम, लेकिन मेरी बदनसीबी है कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। और रही बात उपेंद्र मूर्ति की किडनैपिंग की, तो वो सारा प्लान गणेश का था। मैंने प्लान नहीं बनाया था, मैंने तो लास्ट मिनट पर हाथ खींच लिया, क्योंकि मुझे लगा था कि इसमें रिस्क कुछ ज्यादा ही है। बाला, सच बोला? सच, मतलब बिल्कुल सच बोल रहा हूँ सर। और एक सच और सुनिए, प्लान सिर्फ किडनैपिंग का ही नहीं था,
इसके साथ साथ गणेश ने एक बड़ी चोरी का प्लान भी बनाया था। अगर तुमने हमसे जरा सा भी झूठ बोलने की कोशिश की तो याद रखना ये कोशिश तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी। सर मैंने अभी तक सच ही बोला है और आगे भी सच ही बोलूंगा मैं। तो सच बोल, ये चोरी, ये किडनैपिंग, गणेश कोटियन के ये प्लान, ये सब क्यों हो रहा था? प्याज की परतें, एक के बाद एक नए एंगल्स, लेकिन कुछ ठोस हाथ नहीं लग रहा था। लेकिन सर कुछ तो अजीब है कि सारे के सारे दो नंबरी क्रिमिनल एक्टिविटीज करने वाले लोग उस लाल टोपी और गॉगल्स वाले आदमी को पहचान नहीं पाए थे, और वो 6 किलो सोने वाला बैग, क्या वाकई में कोई राज था या फिर इन्वॉल्व सभी लोग जानबूझकर आपको सच से दूर रखते? कुछ लोग थे जो इस केस की हकीकत से वाकिफ थे, पर उन चंद लोगों तक पहुंचने से पहले हमें कई अजीबोगरीब कहानियों से गुजरना पड़ा था, और तब जाकर इस केस की सबसे बड़ी कहानी हमारे सामने आई, जो थी गणेश की जिंदगी की कहानी। तब जाकर उसके कत्ल की वजह पता चली, 6 किलो सोने का राज भी खुला। ये केस यूनिक था, एक दुखद और भयानक प्लान बना जो फेल हुआ, और हम इस फेलियर को अपनी जीत बनाने वाले थे। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।